किसान भाइयों, बारिश के बाद में कपास में अचानक से हरा मच्छर और थ्रिप्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो नरमे की फसल है वो लगातार ख़राब हो रही है। तो हरा मच्छर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्प्रे करें, इसके अलावा थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्प्रे करें, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो आप इंसेक्टिसाइड देख रहे हैं, कीटनाशक देख रहे हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें हरा मच्छर के लिए और थ्रिप्स के लिए अलग अलग प्रकार की और अच्छी अच्छी कंपनियों की अलग अलग ब्रांड की यहाँ पर आप इंसेक्टिसाइड देख सकते हैं। इनकी प्रति एकड़ के हिसाब से डोज आपको बताएंगे, एक एकड़ का खर्च क्या रहेगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले तो जो हरे मच्छर की कपास में समस्या आती है, नरमा में समस्या आती है, उसके ऊपर यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ये जो इंसेक्टिसाइड रखे हुए हैं इनके बारे में बताइए, इनकी डोज क्या है, रेट क्या है, एक एकड़ का खर्च क्या आएगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं थायो की तरफ, सिजेंटा का एक तारा, बिल्कुल एक किलो का रेट है 1600 रुपये किलो, ठीक है। ये हरे मच्छर पर काम करता है, इसकी डोज 100 ग्राम प्रति किला है, ये आप 100 ग्राम प्रति किले के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके हिसाब से आप 160 रुपये किले का खर्चा आपको मात्रा आएगा, ठीक है। दूसरा है केमस्टार ईजी, जो सुमिटोमो केमिकल का है, ये 900 रुपये प्रति लीटर है, इसका 100 ग्राम किले के खर्चा 100 ग्राम किले का डलेगा, इसका खर्चा आएगा आपको 90 रुपये पर किला, 90 रुपये पर किला। ये है UPL का, इसका 970 रुपये लीटर है, इसका खर्चा आएगा 97 रुपये प्रति किला, ये भी 100 ग्राम प्रति किला डलेगा, ठीक है। ये है गोदरेज का, थायो लिक्विड है, इसके भी 100 ग्राम प्रति किला डोज है, ये भी 100 ग्राम प्रति किला ही डलेगा, और इसका खर्चा है 85 रुपये प्रति किला, ठीक है। ये है गर्डा का सिल्की के नाम से, इसका भी सेम ही डोज है, और ये आपको 900 रुपये प्रति लीटर यानी 90 रुपये किले का खर्चा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, एक मिनट, ठीक है। तो ये हरे मच्छर के लिए हमने यहाँ पर बात की, हरे तेले के लिए, इनमें सभी में एक ही टेक्निकल है, थायोमेथोक्सम, जो कि अकतारा के, जो सिजेंटा का अकतारा के नाम से आता था, इसमें जो टेक्निकल है वही सेम टेक्निकल इनमें भी है, लेकिन ये लिक्विड है। तो जो अकतारा है इसका थोड़ा रेट ज़्यादा है, थोड़ा महंगा पड़ता है, ये थोड़ी कम रेट है, तो इनकी क्या क्वालिटी में फ़र्क है, या फिर इसका रिजल्ट में फ़र्क देखने को मिलेगा, ऐसा क्या कुछ होता है? ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि इनकी क्वालिटी में फ़र्क है, ये कंपनी के अपने रेट होते हैं और अपने रेटों के हिसाब से ही चलता है, ये सेम रिजल्ट ही मिलेंगे, चाहे आप लिक्विड डाल सकते हैं, चाहे आप एक्टारा के नाम से डाल सकते हैं, ठीक जो है। पहले मार्केट में आता है वो ब्रांड बन जाता है, और जो बाद में आते हैं वो कम रेट में बिकते हैं, बस है। यही अंतर है इनका, ठीक है। एक UPL की उलाला है यहाँ पर, इसके बारे में और बताइए। इसके बाद आते हैं हम UPL की उलाला पे, ये हरा मच्छर थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी सभी को कंट्रोल करता है, इसकी डोज 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति किला है, इसकी कॉस्ट 600 रुपये से 800 रुपये जमींदार को आती है, ये सभी बीमारियों पे कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर बात हुई हरे मच्छर के बारे में, और उलाला जो आपको तीनों प्रकार के, जिसमें हरा मच्छर है, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई है, सभी को कंट्रोल करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो रखी हुई हैं केवल थ्रिप्स के लिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करती हैं, तो इनके बारे में और बताइए। इमामेक्टिन आता है जो थ्रिप्स से काम करता है, इसका खर्चा जमींदार को मान लीजिए 170 रुपये किले का, 1700 या 1750 से लेके 2000 रुपये किलो तक मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है गर्डा का, ये थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, इसमें खर्चा थोड़ा 10-20 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके बाद UPL का स्पोलिट आता है, इसका खर्चा मान के चलिए आप 180 से 190 रुपये प्रति किला ही लगेगा, ये 100 ग्राम प्रति किला पड़ता है और थ्रिप्स पर कारगर है। इसके बाद आते हैं हम बायर की रिजेंट, बायर की रिजेंट 1200 रुपये लीटर है, और ये डलती है 250 ग्राम किले की, यानी जमींदार को खर्चा आएगा 300 रुपये, ठीक है। तो ये थ्रिप्स पे काम करती इसमें है। इसमें टेक्निकल कौन सा है, टेक्निकल नाम और बता दीजिए। इसमें टेक्निकल है फिप्रोनिल 5% 80, ठीक है। इन तीनों में एक ही टेक्निकल है, इमामेक्टिन बेंजोएट, ठीक है। इन तीनों में एक टेक्निकल है, इसमें फिप्रोनिल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम गर्डा की पॉलिश, 100 ग्राम का रेट है इसका 890 रुपये, यानी जमींदार को 2.5 किले में जाएगा, तो इसे 2.5 890 को 2.5
से भाग कर लेना, वो खर्चा इसका पॉलिश का पड़ेगा। इसमें फिप्रोनिल 40% और इमिडा 40% है। हरा मच्छर और थ्रिप्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको और अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम गोदरेज की ग्रेसिया फ्लूम मैक्सा मेटामाइड के नाम से, इसमें 10% टेक्निकल आता है और इसका रेट है 160 ml का 1800 रुपये, और ये सुंडी पे और थ्रिप्स पे दोनों पे काम करती है और अच्छा रिजल्ट है इसका भी। 1 किले की डोज 160 ml है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात करी, ये जो सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये तो जो है स्टार्टिंग में हरे मच्छर के लिए और बाद में वहाँ पर आपकी थ्रिप्स के लिए हैं। तो इस प्रकार से इनका रेट रहता है, 1 एकड़ का खर्च हमने बताया, इनकी डोज क्या है। इस प्रकार से आप अपनी कपास की फसल में हरा तेला और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट फ्लाई के ऊपर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।